इस वक्त हमारी मौजूदगी है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली कैंपस में, और यहाँ पर हमारे साथ टेक्नोलॉजी के बच्चे यानी कि इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, कुछ पीएचडी कर रहे हैं, कुछ मास्टर्स कर रहे हैं। और बात क्योंकि यूसीसी की हो रही है और बात यंग इंडिया की हो रही है, तो क्या ये सोचते हैं उस पर भी इनकी राय लेना जरूरी है। मैं एक एक करके मैक्सिमम लोगों से यहां बात करने की कोशिश करूंगी। चलिए मैं आपसे शुरू करती हूँ। यूसीसी कह रहे हैं, जो अभी तो बेहद सिर्फ ड्राफ्ट लेवल पे बात है, लेकिन कॉन्सेप्ट से अग्री कर रहे हैं आप, आपको लग रहा है ऐसा कुछ होना चाहिए? मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ इस बात से। ये बहुत ही अच्छा गवर्नमेंट इनिशिएटिव है और इंडिया में जितने भी लोग रह रहे हैं सबके सिविल लॉज एक जैसे होने चाहिए, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से हो, किसी भी कास्ट से हो, किसी भी रिलीजन से हो, बिकॉज वी ऑल आर द पार्ट ऑफ इंडिया, सो दे शुड बी सेम सिविल लॉज। तो आई कम्प्लीटली एग्री विद दिस। आपको क्या लगता है कि ये, क्योंकि भारत जो है वो तो डाइवर्सिटीज का देश है, अलग अलग रिलीजन रहते हैं और सबको ये फ्रीडम भी कॉन्स्टिट्यूशन से ही मिली है कि आप अपने हिसाब से उसको फॉलो कीजिए, आपको लगता है कि इस तरीके का यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत जैसे देश में चल पाएगा? यस, आई एम टोटली एग्री विद दैट। एक्चुअली यू आर सेइंग राइट, दिस इज अ कंट्री ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज एंड सम डाइवर्सिटी इज देयर, बट इफ यू कम टू द लॉ मेकिंग then it should be same for all. Yes. सर, मैं आप लोगों से चाहूंगी कि आप हिंदी में थोड़ा अगर बता पाए, आपको क्या लगता है, क्या राय रखते हैं आप यूसीसी पर? हाँ, बिल्कुल सही है, यूसीसी होना चाहिए क्योंकि हम सबसे पहले इंडियंस हैं, कम्युनिटी हमारी बाद में है। और जो सारी दिक्कतें आती हैं, मतलब जजमेंट पेंडिंग है, ये सब हम जो सुनते हैं कि कोर्ट्स में इतने पेंडिंग है, तो वो कन्वर्जन की वजह से, क्योंकि हमारे जो रिलीजियस डॉक्यूमेंट्स हैं वो उतने क्लियर नहीं होते। तो अगर सबके लिए एक होगा तो वो प्रेशर भी जो जुडिशरी से है वो प्रेशर भी कम होगा और लोगों को बड़ा ट्रांसपेरेंसी रहेगी क्या होना चाहिए। मैं इस तरफ दोबारा आऊंगी, लेकिन बहुत लड़कियां भी हैं, क्योंकि यहां पर ये जिन रूल्स की बात हो रही है, जिन कारणों की वजह से एक कानून लाने की बात हो रही है, उनमें से ज्यादातर जो कहें वो नेगेटिव महिलाओं के लिए ही रहते हैं और उनको अब चेंज करने की बात की जा रही है। यूसीसी अभी बस ड्राफ्ट फॉर्म में है, अभी ड्राफ्टिंग भी नहीं हुई, अभी भी लोगों के सजेशन लिए जा रहे हैं, आपको लगता है वर्क कर पाएगा यूसीसी या होना चाहिए? मैम, वर्क कर पाएगा नहीं पता, पर ये एक सही इनिशिएटिव है जो कि लागू होना चाहिए, खासकर महिलाओं के लिए, क्योंकि हम हमेशा फेमिनिज्म की बात करते हैं पर वो कभी भी लागू नहीं होता है। मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहले इंसानियत आती है, बाकी रिलीजन, कास्ट, जेंडर सब बाद में, तो सब लोगों को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए और सबके लिए सेम लॉ होगा तो आई थिंक इक्वालिटी आ पाएगी। जी, आपको भी लगता है कि इक्वालिटी के लिए ये एक अच्छा कदम होगा? बहुत अच्छा कदम है ये और मुझे लगता है कि ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, इसमें कई तरीके की बातें आ रही है जिनमें से एक मैरिजेबल एज की भी बात आ रही है, ये भी सजेस्ट किया जा रहा है कि जैसे अभी लड़कियों की मिनिमम एज हिंदू रिलीजन में अगर हम स्पेसिफिकली बात करें 18 है, बाकी रिलीजन को अपनी अपनी मतलब जिस तरीके से हम कह रहे हैं कि आजादी होती है कि वो कैसे अपने शादी को या तलाक की चीजों को फॉलो करें, तो ये बोला जा रहा है कि आप सबके लिए इस एज को बढ़ाया जाएगा कि एटलीस्ट बच्ची जो है वो ग्रेजुएट हो बिफोर टेकिंग अ बिग लीप। तो आपको लगता है ये लड़कियों के लिए भी हेल्पफुल है जो पढ़ नहीं पाती है, क्योंकि शादी के बाद बहुत ज्यादा लड़कियों को आगे कंटिन्यू करते हुए भी हम लोग नहीं देखते हैं? हाँ बिल्कुल, एज तो बढ़ना ही चाहिए, 21 होना चाहिए मैरिज का एज, क्योंकि वो हर डिसीजन लेने के लिए सक्षम हो सके, सोच सके हर तरह का चीजों को। हाँ। इसलिए एज लड़कियों का बढ़ना चाहिए, एज बढ़नी चाहिए। आपको क्या लगता है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए क्या? यस मैम, मुझे भी यही लगता है कि एज लड़कियों की जो शादी की एज है वो एटलीस्ट 21 होनी चाहिए ताकि वो अपने डिसीजंस खुद लेने लायक हो पाए। ठीक है, हम आपसे भी जानना चाहेंगे, आपको लगता है वर्केबल होगा ये सारे रिलीजन जहां एक कंट्री में रहते हैं, सब अलग अलग तरीके से फॉलो करते हैं, हमने कई मामले भी ऐसे देखे हैं जहां पर कोर्ट चाहकर भी दूसरे रिलीजन में मदद नहीं कर पाता है क्योंकि वो अपने कानून से चलते हैं, तो ये कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट कर पाएगा सोसाइटी में? यस मैम, मुझे ऐसा लगता है कि इफ सम पीपल विल थिंक अबाउट इट इन द राइट डायरेक्शन देन इट विल बी एबल टू इम्प्लीमेंट इट बेटर। एंड द थिंग दैट यू आस्क्ड अबाउट द एज, देयर इज समथिंग कॉल्ड कॉर्टेक्स व्हिच इज इन द फ्रंट ऑफ अवर ब्रेन दैट गेट्स डेवलप्ड आफ्टर अ सर्टेन एज, लाइक इट इज डेवलप्ड अराउंड एट 25 एज, सो इट्स बेटर इफ वी इंक्रीज दैट एज ऑल्सो। अच्छा, तो जो बातें आ रही है, जो सुझाव आ रहे हैं उनमें एज की बात की जा रही है, वो भी इसी चीज को करें। आप थोड़ा सा आगे आए, मुझे बताएं आप क्या राय रखती हैं इस मुद्दे पर, होना चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड? बिल्कुल होना चाहिए, जिस तरीके से हमारा संविधान लिखित संविधान है एक, और उसी तरीके से
बहुत सारे रिलीजन्स हैं यहाँ पे, अलग अलग सबका कल्चर है, सबके अपने अपने लॉज है, उस अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए जिसपे हम इक्वलिटी की बात करें, एज जो भी फैक्टर है हमारे जितने भी एजुकेशन फैक्टर है वो वहाँ पे इक्वल हो जाएंगे, और गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बेस्ट इनिशिएटिव है, इनिशिएटिव लग रहा है। अब स्टूडेंट से तो हम लोग बात कर ही रहे हैं, मैं जरा डीन से भी बात कर लेती हूँ, मैं जरा जाने की सर बच्चे तो बता रहे हैं इनको तो फेवर में लग रहा है, आपको क्या लग रहा है ऐसा आना चाहिए कुछ? नहीं, बिल्कुल यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए ताकि हम रिलीजन से बाहर आके डिसीजन ले सकें और समानता का अधिकार मिले सबको। एंड जैसा कि आपने बताया कि जो जो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन भी इसमें डिसाइड हो रहा है, में है अभी, हाँ। तो इसपे पेरेंट्स को भी अधिकार मिलेगा, तो ये बहुत ही अच्छा है और डेफिनेटली इसको आना चाहिए। सर आप किस तरीके से देखते हैं, आपको लगता है कि यूनिफॉर्मिटी की जो बात ये कोड करता है एक तरीके की यूनिफॉर्मिटी आ पाएगी, क्योंकि देश की जब हम बात करते हैं जितने तरह के धर्म है उतनी तरह की उनकी मान्यताएं हैं, कई बार हमने ऐसे कई केसेस कोर्ट में देखे हैं जहां पर मामला जघन्य होता है पर कोर्ट कुछ नहीं कर पाती है क्योंकि संविधान ने आजादी दी है हर धर्म को अपने तरह से चलने की, तो इससे कुछ फायदा मिलेगा? आई थिंक ह्यूमन राइट्स आर द फर्स्ट प्रायोरिटी एंड आई थिंक दिस इज द हाई टाइम दैट यूनिफॉर्म सिविल कोड मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड सो दैट एवरी वन गेट इक्वल ह्यूमन राइट्स एंड ईच वन ऑफ अस कैन लिव इंडिपेंडेंटली, लाइक वी आर मेंशनिंग अबाउट द कोर्ट केसेज एंड अदर वेयर कोर्ट इज ऑल्सो हेल्पलेस, डेफिनेटली सच केसेज विल बी रिजॉल्व्ड वंस द यूनिफॉर्म सिविल कोड इज देयर एंड एन इक्वल डिसीजन विल बी देयर, सो इट विल बी इक्वली एप्लीकेबल एंड एक्सेप्टेबल टू ऑल। अच्छा, मतलब कुल मिलाकर बात सिर्फ इस बात की नहीं है, बात है ह्यूमन राइट्स की जो सबको इक्वली मिलने चाहिए, ये मुझे जो एक यहाँ से समझ आ रहा है उसे सर आपसे भी जानना चाहूंगी, आपकी क्या राय है यूनिफॉर्म सिविल हिंदी में अगर आप बताएं। जी मेरी राय इसमें यही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही क्यों ऐसा इसलिए भी कह सकता हूँ मैं, क्योंकि देखिए बेसिकली वी ऑल आर ह्यूमंस और इंडियंस, फर्स्ट मैं इंडियंस भी कहूंगा और ह्यूमंस भी, और इंडियंस के लिए जब हम रिलीजन भले ही हमारे अलग अलग हो सकते हैं, हमारी रिलीजन प्रैक्टिसेस अलग अलग हो सकती हैं, बट जब हम लॉ के सामने जाएं तो हमें इक्वल बिल्कुल ट्रीट किया जाना चाहिए। ड्यू टू रिलीजन हमारे अंदर किसी भी तरीके का जजमेंट्स में किसी भी तरीके डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए जी, तो धर्म आधार नहीं होना चाहिए न्याय अन्याय के लिए, ये एक पॉइंट आ रहा है। जी मैम आप कुछ बोलना चाहते हैं? मैम मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो डाइवर्सिटी है उसका भी ध्यान रखा जाए, बिकॉज एवरी रिलीजन हैव सम गुड थिंग इन दिस रिलीजन, सो वी हैव टू कंसिडर दोज थिंग्स ऑल्सो। अगर हम सिर्फ निगेटिविटी, लाइक हम सिर्फ हिंदुज्म क्यों ही इंक्लूड करें और बाकी सारे रिलीजन्स को हटा दें, ये भी करेक्ट नहीं है। सो वी हैव टू, अभी अभी तो ये वाली बात नहीं हुई है कि किस धर्म को मूल बनाया जाएगा, अभी एक बात है कि मूल धर्म की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं सारे रिलीजन्स की कंसिडर कर गुड थिंग्स को उनके सारे को कंसीडर करते हुए लॉ को इंक्लूड करना ठीक है। ये कह रही है कि जितने धर्म हैं उनकी कुछ हर धर्म में अपनी कुछ अच्छी बातें होती है, उनको भी कंसीडर करके उनको भी इंक्लूड करके बेसिकली धर्म को, आप कुछ बताना चाह रहे सर? बेसिकली मैं ये कहना चाहूंगा कि जो धर्म बनाए गए थे वो आज से कई सौ साल पहले बनाए गए थे, तो उस वक्त सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस अलग हुआ करती थी, उस वक्त वैलिड थे, बट बाय द पैसेज ऑफ द टाइम आज कुछ कंडीशंस अलग है, तो आज हमें एक यूनिफॉर्म जो है लॉ की जरूरत है जो कि ह्यूमैनिटी पे बेस्ड हो, सो दैट इज नॉट फॉर माई, तो ह्यूमैनिटी पे बेस्ड हो। क्या राय है आपको, क्या लगता है कि मैं जो सोर्स मतलब जो शेड्यूल ट्राइब है जो मतलब एकदम बहुत जगह जहां मतलब कुछ सोर्स नहीं है, तो वहां आपको कैसे लगता है कि ये यूनियन सिविल कोर्ट कैसे लागू? उस पर ये बात की जा रही है कि जहाँ शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट रहेंगी उनके लिए एक्सेप्शंस रहेंगे, क्योंकि हाँ ऐसे अभी अभी क्योंकि अभी तो ये बिल्कुल शुरुआती लेवल पे हम बात कर रहे हैं, तो हाँ इनका एक पॉइंट बहुत वैलिड है, इनका कहना है कि जहां पर अभी तक कहीं बिजली नहीं है, जहां पर अभी तक टेक्नोलॉजी नहीं है, वहां किस तरीके से इन चीजों को फॉलो कराया जाएगा, लेकिन जहां तक अभी शुरुआती तौर पर ये जानकारी मिल रही है कभी उनके लिए बिल्कुल फिजिबल नहीं होगा ये, क्योंकि उनकी सारी चीज अलग होती है, इकोनॉमिक स्टेटस पे बेस्ड होना चाहिए, जैसे कि अगर कोई पुअर है तो उसको बेनिफिट मिलना चाहिए पर कास्ट और रिलीजन के बेस पे नहीं होना चाहिए, जैसे कि पुअर है तो उसको आप बेनिफिट दीजिए, दैट वुड बी गुड। मैम देर शुड बी नो पॉलीगैमी, देर शुड बी नो पॉली एंट्री, एंड इवन दो अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है तो गर्ल्स को बिल्कुल इक्वल स्टेटस मिलेगा जो प्रॉपर्टी में एक बॉय को मिलता है उसके। ये मैं बात करना चाह रही थी असल में कि ये जब हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं उसमें जो मुख्य पॉइंट अभी तक सामने आ रहे हैं वो ये है कि कुछ रिलीजन में आप लड़कियों की खासतौर पर बात करें, कुछ रिलीजन में लड़कियों को पैतृक संपत्ति पर अधिकार है, कुछ में नहीं है, कुछ में पति की संपत्ति पर या जो उनकी जहां पर मैरिटल जहां पर उनका होम होता है वहां पर है, तो वो एक उसी तरीके की यूनिफॉर्मिलिटी लाने की कि सबको सबके राइट्स क्लियर हों,
तो इसी की ये शायद कोशिश की जा रही है। और नेगेटिव क्या सोच पा रहे हैं आपके, क्या गड़बड़ होगी? बेसिकली मैम प्रॉब्लम तो खैर होगी ही, उस तरफ हम नहीं जाते, इसके पॉजिटिव पॉइंट्स को ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं, दैट वुड बी मोर बेनिफिशियल। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि बेसिकली यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आता है हमारी कंट्री के लिए बेस्ट रहेगा। थोड़ी प्रॉब्लम्स होगी हमें कुछ रिलीजन्स को लेकर, या फिर हिंदूज में भी बहुत से शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, वे पॉलीगैमी पॉलीएंड्रीज में भरोसा करते हैं, दैट शुड नॉट बी लीगल, दैट शुड नॉट बी गुड। तो कुल मिलाकर देखिए, यहाँ जितने स्टूडेंट्स से हमारी बातचीत हुई, इनको कुछ टीचर्स से भी हमारी बातचीत हुई, इन सबका कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आइडिया के तौर पर काफी ज्यादा अपीलिंग है। एक ऐसी कुछ ऐसी कुप्रथाएं जो सदियों से चलती आ रही हैं, उनका अंत करने का समय भी शायद यही है। और राइट्स की जो बात की जा रही है, वो राइट हर एक शख्स को, क्योंकि वो भारतीय है तो इक्वल राइट्स मिले, इस तरीके की बातें सामने आ रही है। लेकिन कई अपने इनहिबिशंस भी हैं, कई ऐसी चीजें भी हैं जिन्हें लोग आगे सोचकर चाहते हैं कि जो इंक्लूड किया जाए। जैसे कि एक महिला ने यहां पर यह भी कहा कि हर धर्म की अपनी कुछ अच्छाइयां हैं, उन अच्छाइयों को भी इसमें इंक्लूड करना चाहिए। यानी कि बिल्कुल शुरुआती लेवल पर फिलहाल हम बात कर रहे हैं, लेकिन रिसेप्टिव नजर आ रहे हैं, कम से कम जहां इस वक्त हमारी मौजूदगी है, NIT दिल्ली की ये स्टूडेंट्स। कैमरा पर्सन दिनेश देवरी के साथ प्रियंका कांडपा, न्यूज 18 इंडिया दिल्ली।